आपने किसी के घर में देखा होगा कि ग्लास के अंदर कोई अंडा बॉयल कर रहा हो। आपको ना एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देनी थी, जिसका हमें ना तकरीबन महीनों से इंतजार था, जो काम आज हमारा मुकम्मल हो गया है। तोती ने छोटा सा मुन्ना सा बच्चा निकाला अंडे में से। हाँ जी, तो भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। खुश आमदीद है भाई और बहनों आपका ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। पहले तो आपको मौसम दिखाता हूँ ऊपर से, लेकिन आज मैं नीचे था, मैंने सोचा आपको गली से बाहर से मौसम दिखा देता हूँ। ओए ओए, लियो अंदर, लियो भाग गया बाहर, चलो अंदर। इस साइड पे हमारी टैनी, ये काली नाक वाला। इन सब के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले तो करते हैं नाश्ता, क्योंकि अभी अभी मैं सोया उठा हूँ, नहा हूँ कि अभी फ्रेश हुआ हूँ। ये अपर वगैरह पहना सर्दी की वजह से, क्योंकि धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकली। तो अभी जरा चलते हैं किचन में, सबसे पहले तो नाश्ते वगैरह का देखते हैं क्या सीन है। लो भाई साहब, अभी आ गया हूँ किचन में, लाइट वगैरह हमारी बंद है, गैस भी अभी आया है। कोई इधर से शुरू करता हूँ। ये एक ना ग्लास के अंदर अंडा बॉयल हो रहा है। कभी आपने किसी के घर में देखा होगा कि ग्लास के अंदर कोई अंडा बॉयल कर रहा हो? ये भाई सिर्फ हमारे घर में होता है। दुनिया के किसी कोने में भी जो काम नहीं ना होते, वो हमारे घर में होते हैं। ग्लास के अंदर अंडा बॉयल हो रहा है, ये पता नहीं है किसके लिए, शायद मेरे लिए होगा। बाकी इस साइड पे देखा जाए तो हमारा ये खूबसूरत पराठा तैयार हो गया, साथ में दही है थोड़ा सा। और ये भाई साहब चेक करो, कप बड़ा सजाया हुआ किसी ने। मुझे तो कॉफ़ी लग रही है भाई साहब, कॉफ़ी लग रही है मुझे। ये देखो, जिस तरह कोल्ड कॉफ़ी होती है ना, लेकिन इससे धुआं नहीं कर रहा, पता नहीं ये कोल्ड है या हॉट है। बाकी जल्दी से नाश्ता करते हैं, पहले अपने पराठे से। पराठा पता नहीं किस चीज़ का है, मूली वाला पराठा है। जल्दी से नाश्ता करते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है भाई साहब, नाश्ता वगैरह कर लिया, पराठा वगैरह खा लिया मूली वाला। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ना, कॉफ़ी बन रही थी किचन में, तो घर वालों ने भाई साहब तर्स खा लिया, मुझे भी ना थोड़ी सी कॉफ़ी दे दी है। चेक करो भाई साहब कितने लेवल की जाग बनी हुई है। अभी ज़रा इसे टेस्ट करते हैं क्या जायका है इसका। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मजेदार बालू बालू। इसी तरह भाई साहब कॉफी पीते पीते ना चलते हैं जरा ऊपर, ऊपर की जरा सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। भाई और बहनों, अभी आया हूँ सीधा छत पे। मैंने सोचा यार अपने चूजों पे भी नजर डाली जाए ना थोड़ी सी। चेक करो भाई साहब, मुर्गी छुर्गी सारे चूजे घूम फिर रहे हैं। सारी चीज़ों का ना लाना ज़रूरी है व्लॉग के अंदर, क्योंकि जिस दिन मैं चूज़ों को ना लेके आऊँ, मुर्गियों को, नीचे कमेंट आते हैं भाई मुर्गियां भी दिखाओ। जब टैनी को ना लेके आऊँ, फिर कहते हैं टैनी को लेके आओ। तो इस तरह सारी चीज़ों को दिखाना ज़रूरी होता है। थोड़ी बहुत अपडेट देता रहता हूँ आपको ना सारी चीज़ों की। काली नाक वाला भालू बाहर है और लियो अंदर है। अपने हाथों से ना, एक अंदर से मार रहा है, एक बाहर से मार रहा है। वो देखो, वो अंदर से हाथ निकालता है, ये बाहर से मारता है। और मुझे अचानक से याद आया, आपको ना एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, जिसका हमें ना तकरीबन महीनों से इंतजार था, जो काम आज हमारा मुकम्मल हो गया है। तो जरा चलते हैं नीचे, नीचे ही आपको दिखाता हूँ। भाई साहब, आखिरकार उस चीज़ का ना इंतज़ार ख़त्म हो ही गया, जिसका हमें महीनों से इंतज़ार था। अभी ना आपको दिखाता हूँ, बल्कि सुनवाता हूँ आपको ना, कोई आवाज़ आ रही होगी। यार अगर नहीं आ रही ना, वैसे ही आपको बता देता हूँ। आपको पता था तोतों के इस घर के अंदर भी अंडे है थे, तकरीबन 7 अंडे थे, जिसके अंदर दो तोतियाँ एक ही घर के अंदर बैठी हुई थी। और बाकी रही इसकी बात, इसके अंदर भी अंडे थे, जो कि तोती ने ना अपने घर से 4 अंडे बाहर फेंक दिए। ये देखो इसके अंदर पड़े हुए हैं, एक अंडा, ये 2 3 4 4 अंडे, एक अंडा इस घर के अंदर अभी भी है। इसके अंदर 7 अंडे थे, इसके अंदर 5 अंडे थे जिनमें से एक रह गया, इसके अंदर अभी कोई भी अंडा नहीं था। बाकी जिसके अंदर 7 अंडे थे ना, उनमें से तोती ने छोटा सा मुन्ना सा बच्चा निकाला अंडे में से। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। शोर ना बस डाल दें ऊपर से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपने ना नीचे इन्होंने छुपा के रखा, ये दोनों तोतियाँ एक ही घर के अंदर बैठी हुई हैं, तो इनके पास ना एक छोटा सा बच्चा भी है। यार मैं आपको कैसे दिखाऊँ, वो देखो यार, वो बाहर नहीं आ रहा, वो अपनी मामा के नीचे है बिल्कुल, उसके ऊपर ना बाल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको किस तरह दिखाऊं यार, ये तोती पीछे हो ना कभी, फिर मैं आपको दिखाऊं। तब तक इसके अंदर आपको दिखाऊं, ये देखें एक अंडा पड़ा हुआ है, वो भी तोती कभी कभार बैठ दिया जाके। लेकिन इसके अंदर बच्चा भी मुझे कंफर्म नहीं है, एक ही बच्चा या दो है यार, पता मुझे भी नहीं था चला है।
तकरीबन दो दिन ना इसके अंदर से चूं 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 की आवाज आती रही। फिर मैंने ना ये ढक्कन उठा के देखा था, फिर मैंने सोचा यार नजर तो कुछ आ नहीं रहा, ये तोते खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक दिन ना नजर मेरी पड़ी गई, छोटा सा बच्चा है जिसके ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं है। तो भाई साहब काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर एक बच्चा निकाल दिया है, बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी। बाकी भाई साहब देख लो, बाकी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, चूजे वगैरह दाना शाना है इनका, पानी शानी है। बाकी इस घर के अंदर से ना अभी एक बच्चा निकला है ना, तो बाकियों का भी हम इंतजार करते हैं वो कब निकलते हैं। जो मेरे पुराने व्लॉग देखते हैं ना उन्हें तो पता होगा तकरीबन हमने ना महीनों इंतजार किया है। तोते अंडे देते थे तोड़ देते थे तोड़ देते थे, तो इस तरह चलता रहता था। अभी भाई साहब इतना इंतजार करने के बाद ना पहला बच्चा उन्होंने अंडे में से निकाला है। लेकिन ना मैं आपको ना बच्चा दिखा नहीं सकता अभी फिलहाल, क्योंकि अगर मैं तोती को पीछे करूंगा ना आपको दिखाने के लिए वैसे, तो फिर तोती ना शोर मचा देना, क्योंकि उसका अपना बच्चा, उसने ख्याल भी तो रखना है ना अपने बच्चे का। मैं आपको सही बात बताऊं, ये मुझे खुद भी नहीं पता कि है कितने बच्चे हैं, लेकिन मैं ना एक थोड़ा सा तोती के नीचे से निकला हुआ था, एक तो मैंने खुद देखा है और उसकी आवाज भी आती है, चूं 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 करता रहता है, बोलता रहता है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो इसके नीचे होता है। अगर मैं उठाने की कोशिश की तो तोती ने शोर मचा देना है, फिर परेशान हो गई उसकी मामा जो है। बात सही है। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको जरूर दिखाऊं, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे ठीक है समरिया। मछलियों का पानी भाई साहब काफी गंदा हुआ पड़ा था, तो अभी अभी बिल्कुल ताज़ा ना मैंने यहाँ पे पानी चेंज किया है। लियो पीछे हो जाओ, लियो अपनी गर्दन पीछे करो, उसका पूरे का पूरा सार अंदर घुसा लेता है। जरा ना रोशनी में लेके जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। वो देखो वो एक रेड है, दो वाइट है इसके अंदर, एक ये वाइट है इस नुक्कर के अंदर, दूसरी वाइट कहाँ पे गई ढूंढनी पड़ती है भाई साहब। तीन मछलियाँ ना, तीसरी कहाँ पे गई, ये हैं दो तो ये हैं ना, एक वाइट और रेड ये है, दूसरी वाइट ये, तीन मछलियाँ भाई साहब। आपको पता है हम पहले भी काफ़ी सारी मछलियाँ लेके आए थे जो बेचारी मर गई थी। बाकी यार जिस दिन ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, आज का दिन ये साल का बिल्कुल आखिरी दिन है, आज 31 दिसंबर है, कल से नया साल शुरू होगा। बाकी पता नहीं आपको ना वीडियो कल पहुंचे या परसों पहुंचे, एडिट वगैरह करके डालनी है ना, एक दिन का फर्क पड़ जाता है। अभी भी ना व्लॉग को यहाँ पे एंड करने के बाद ना मैंने घर से बाहर जाना कुछ काम वगैरह करने के लिए, तो कभी कभार ना व्लॉग एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसी वजह से कभी कभार व्लॉग आपको लेट पहुँचता है। बाकी टाइम वगैरह हम सेट कर लेंगे। ठीक है, ये साल तो अभी खत्म हो गया, आज लास्ट डे है। बाकी इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए साल के साथ। अल्लाह हाफिज। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats.